हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ठीक होंगे आप? गुरुनीति का एपिसोड 4 सेल बायोलॉजी के साथ मैं और सर्वेसर आपसे पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। वी आर ऑन द टूर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करना शुरू किया था, और आज के इस गुरुनीति के एपिसोड में हम सेल डिवीजन के प्रोसेस तक जाएंगे। ऑर्डिनरी कंडीशंस में जो सेल होती हैं उसके बजाय जब सेल डिवाइड होती है तो उसमें कौन से चेंजेज होते हैं, किस किस तरीके से वो अपने आप को अपीयर करती है, और स्पेसिफिकली जो सेल का जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम है उसके बिहेवियर क्या होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। सर, थैंक यू मैम। सर, तो जैसे सर ने बताया, अपन स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अभी कवर कर लिया, अब डिवीजन पे अपन बात करेंगे। डिवीजन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे बिल्कुल प्रॉपरली। और जैसा कि मैंने भी ऐसा देखा था, क्वेश्चंस भी देखे हैं अपन ने, ऑलमोस्ट जो है सारे सारा कंटेंट हमने कोशिश की है। देखो, जैसा पहले दिन से हमारा आपसे वादा था उसी के अकॉर्डिंग हमने हर एक क्वेश्चन के साथ जितने सारे ऑप्शंस हैं उन सबको डिस्कस किया है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पूरे सब्जेक्ट में कहीं अप्रोच है, कहीं थीम है, कहीं कनेक्टेड स्टेटमेंट है, कहीं डायग्राम है, कोई रेलिवेंट क्वेश्चन आया हुआ है कभी एग्जाम में, तो उन सबको भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम फिर प्रयास करेंगे अपनी पूरी एनर्जी पुट करने की और साथ में इसको बहुत अच्छा करने की। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। तो सर, न्यूक्लियोसोम की बात ये कर रहा है। बिल्कुल, देखिए एग्जैक्टली जो यूकैरियोटिक सेल है, आपने ये पढ़ा है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्डिनरी कंडीशन में, जैसा मैं कह रहा था, यूजुअल कंडीशन में जब सेल्स रेस्टिंग स्टेज में होती हैं, तो ये जेनेटिक मटेरियल इसका क्रोमेटिन फॉर्म में प्रेजेंट है, और जब सेल क्रोमेटिन से क्रोमोजोम में कन्वर्ट होती है, जब सेल को डिविजन करना है, सेल डिवाइड होनी है, तो वो क्रोमेटिन से क्रोमोजोम में जाती है। इन बिटवीन आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमेटिन में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। एक रफ डायग्राम बनाए देते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आएंगे। तो एक न्यूक्लियोसोम की अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें, तो न्यूक्लियोसोम में एक तो होता है ऑक्टामर, जी स्टोन ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर। इस ऑक्टामर में 8 स्टोन प्रोटीन होती है, 8 स्टोन प्रोटीन, और यही बता देते हैं उनमें स्टोन प्रोटीन, उनपे चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये। ओके, तो जो ऑक्टामर से अगर क्वेश्चन आता है, तो ऑक्टामर में चार टाइप की स्टोन होगी, चार टाइप के स्टोन, लेकिन नंबर अगर पूछे तो 8 हो गए जी। और इसमें जैसा सर कह रहे हैं H2A, H2B, H3 and H4, and each have 2 subunits जी। और टोटल जो स्टोन है वो होती है 5 टाइप की, जो अपन बात करते हैं H1 भी होती है, तो H1 जो लिंक करेगा, लिंक करेगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टोन प्रोटीन्स जी। तो एक न्यूक्लियोसोम की अगर डायग्राम की बात करें, तो ऑक्टामर फॉर्म में आ गए जी। फिर इस पे डीएनए जो है वो लिखा है ना, रैप्ड अराउंड रिलीज होगी। अब यहाँ इन दोनों जो डीएनए हेलिक्स एंट्री और एग्जिट को फिर कनेक्ट करने के लिए, वापस रेड कलर करना पड़ेगा जी। तो इसमें देखो ये जो है सर, ये वाली जो है वो है H1 लिंकर प्रोटीन, बिल्कुल। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट है न्यूक्लियोसोम, टिपिकल न्यूक्लियोसोम। सो वी कैन से दैट ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट 5 टाइप्स ऑफ स्टोन प्रोटीन्स, 4 टाइप्स इन ऑक्टामर और 1 इज द लिंकर। लिंकर, तो टोटल जो है स्टोन प्रोटीन जो है वो, अगर क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टोन के टाइप पूछे, यहां सर थोड़ा सा हम फोकस कर लें। यहां लिखा हाउ मेनी टाइप्स न्यूक्लियोसोम, आपको कह रहा है How many types of nucleosome? तब तो आपका आंसर होना चाहिए 4। न्यूक्लियोसोम में पूछा है, न्यूक्लियोसोम में टोटल न्यूक्लियोसोम की बात करें, और यहां देखो इंपॉर्टेंट है, सर ने बताया 4 क्यों, क्योंकि इसने कोर प्रोटीन की बात की है, तो कोर प्रोटीन में 4 आ जाएगा, कोर में अपन H1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करेगा, ठीक है। फिर सर अगर ये पूछा जाए हाउ मेनी नंबर्स या टोटल नंबर और टाइप ऑफ द प्रोटीन्स, कोर वर्ड यहां से हटा दे, आंसर होना चाहिए टाइप 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। और अगर नंबर पूछे तो नंबर में 9 हो जाएगा, फिर नंबर इसलिए 9 हो जाएगा, जैसे 4 जो ऑक्टामर की है, हर एक की आपने कहा 2 सबयूनिट्स हैं, तो अल्टीमेटली 8 तो ये हैं और एक क्या हो गया लिंकर, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन में देखो सारी पॉसिबिलिटीज आपको दे रखी है, 4 भी दे रखा है, ऑप्शन में 8 भी है,
हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर ये लिखा हो हाउ मेनी प्रोटीन्स और हाउ मेनी प्रोटीन सब यूनिट्स इन कोर या कोर प्रोटीन्स, तब आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है आपके आंसर चेंज हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन बता दिए, लगभग इसके 5-6 क्वेश्चन डिजाइन होते हैं वो सारे इसी तरीके से। एक छोटा सा पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डीएनए हेलिक्स इसमें पैक हुई है उस डीएनए हेलिक्स में 200 बेस पेयर होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये डेटा याद रखने का, ये मॉलिक्यूलर में भी दिया है, यहाँ भी रेफरेंस आपको ध्यान रखना चाहिए। 200 बेस पेयर और डीएनए जो रैप करता है स्टोन ऑक्टामर पर उसमें प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो फाइनल हुआ आंसर सर फर्स्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 137, वन टाइप ऑफ क्रोमोजोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर वेयर इज द अदर हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर। एक क्रोमोजोम जो है उसमें कह रहा है सेंट्रोमियर मिडिल में है और दूसरा जो है उसमें कह रहा है सेंट्रोमियर जो है वो टर्मिनल एंड पे है। टर्मिनल एंड पे जी, इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये लीजिए ये मिडिल और ये टर्मिनल एंड कह रहा है। तो देखो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर आपके पास मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे। एक में कह रहा है मिडिल, तो ऑब्वियस है मेटासेंट्रिक हो जाएगा टर्मिनल टीलोसेंट्रिक और उसके बाद में टर्मिनल आपको दे रखा है तो ऑब्वियस है टर्मिनल आप कहेंगे क्या हो जाएगा टीलोसेंट्रिक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके लिए आंसर हो गया सेकंड मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। क्लियर, नेक्स्ट हाउ मेनी आर करेक्ट, जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। सर आप टिक करते जाएं, उधर मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन न्यूक्लियर मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म। डेफिनेटली अपना न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को जो सेपरेट करता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल डेफिनेटली स्टेटमेंट है, ये जो है वो न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है जो प्रोटीन सिंथेसिस का आप कह रहे हैं राइबोसोमल प्रोटीन राइबोसोमल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर कह रहा है एक क्रोमेटिन कंटेन डीएनए स्टोन प्रोटीन नॉन स्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए। बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड द काइनेटोकोर। देखिए ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी क्रोमोजोम को अगर आप देखें तो क्रोमोजोम पर ये जैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है यहां इस तरीके से डिस्क से प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं और स्पिंडल फाइबर एपरेटस इससे जुड़ता है। लेकिन यहां इसने बोल दिया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड काइनेटोकोर नॉट काइनेटोकोर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर है। ठीक है सर, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास हो गए 3। सो फर्स्ट आंसर यहां हो गया है। नेक्स्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोथ मेम्ब्रेन रन पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल सर, मैं एक वर्ड कह सकता हूँ कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है। बिल्कुल दोनों का जो अरेंजमेंट है एक वर्ड हम बच्चों मेंशन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है दोनों का। आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है, जैसा सर डायग्राम में आपको शो कर रहे हैं। ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एग्जैक्टली सेपरेट करती है। तो ये ठीक हुआ। फिर लिखा है पेरिन्यूक्लियर स्पेस 10-15 नैनोमीटर, परफेक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। दैट इज द पेरिन्यूक्लियर स्पेस और इसका जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस स्टूडेंट्स बताया जा रहा है जो 10-15 नैनोमीटर है। फिर कह रहा है आउटर मेम्ब्रेन रिमेन्स कंटिन्यूस विद ईआर, डेफिनेटली इट विल रिमेन कंटिन्यूस विद द ईआर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये कंटिन्यू रहेगी। ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, तो ये भी हमारे पास सही स्टेटमेंट है। अब इनके अकॉर्डिंग आंसर्स के अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं वो कह रहा है ओनली ए एंड बी स्टेटमेंट आर ट्रू, नहीं तीनों करेक्ट है। ओनली ए एंड सी स्टेटमेंट ट्रू, नहीं नो वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये हो जाएगा। ये जो तीनों स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं ये तीनों करेक्ट है, सो नो वन स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट प्लीज मैच द फॉलोइंग, हमें जो दिए गए हैं कुछ देखिए इसमें भी वही क्रोमोसोम की पोजीशन दे रखी है, हमने खूब इस पर डिस्कस किया है। सीधे ही बात कर लेते हैं सर, मेटासेंट्रिक सबसे पहले दिया है तो सेंटर में हम देखेंगे सेंट्रोमियर एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम जी डायरेक्ट ये कनेक्ट कर देंगे। फिर दे रखा है सब मेटासेंट्रिक सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। फिर दे रखा है सर एक्रोसेंट्रिक, तो एक्रोसेंट्रिक के लिए हमें दे रखा है सेंट्रोमियर एट द टिप ऑफ एसेंट्रिक सॉरी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया एसेंट्रिक सेंट्रोमियर अब्सेंट जी, तो यहां इसको मैच कर देंगे सेंट्रोमियर अब्सेंट क्रोमोसोम। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स दे रखा है टीलोसेंट्रिक टिप ऑफ द क्रोमोसोम। तो इस तरीके से बच्चों आप आंसर इसका देख लें सेकंड के साथ सी तो मैच हो जाएगा, ये लो इसके अलावा किसी में भी सी नहीं है, ये थर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत बार आपको ऐसे भी आंसर मिल जाता है एक या दो जो है वो मैच आप करवा लेते हैं तो फिर फर्दर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलता, इस पे आप जा सकते हैं। अपन ने पेपर देखा आपकी बार नीट में जितने भी मैचिंग वाले आए थे उनमें सब में केवल एक ऑप्शन ऐसा था जो
डिफरेंट था, उससे डायरेक्टली बच्चा जो है उस पे आंसर पे जा सकता है। आपको एक फायदा होता है इसका कि चार में से कोई ना कोई एक बात जो है वो कम से कम आपको पता होगी, और अगर आप एक भी पता है तो फिर आप जो है स्कोर कर सकते हैं उसके साथ। तो कई बार जो है ना इसकी फ्रेमिंग का ये जो पैटर्न है इस पे भी थोड़ा सा आप देखें, कंफ्यूजन अगर हो तो थोड़ा टेक्निकली इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें जी। नेक्स्ट, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो है वो क्या कंटेन कर रहा है। अभी आपने कहा था 200 बेस पेयर्स इन डीएनए, जो आपने कहा था डीएनए रैप करता है स्टोन ऑक्टामर पर, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन यीस्ट इज, देखिए ये एनसीईआरटी में मेंशन किया है, सेल साइकिल के टाइम ड्यूरेशन दिया है, दो एग्जांपल के साथ में मेंशन किया है, तो मैं डायरेक्ट आंसर भी समझा सकता हूँ, लिखा है ये सेल साइकिल को हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बेसिक रेफरेंस जो है वो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी कुछ क्वेश्चंस में हमने बात की है, सर एक एम फेज है जो डिवाइडिंग फेज है और इसी में हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, इसके अलावा G1 है, S है और G2 है। तो ये देखो बच्चों सब आपको पता है, ये मैं कह सकता हूँ जी नोट, G1 में एंटर करेगा, G1 से एग्जिट एग्जिटली करेगा, तो ये जो प्रोसेस है ये इंटरफेज है ये पूरा, और ये डिवाइडिंग फेज एम फेज है। एक एग्जाम्पल सर हमें दे रखा है, उस एग्जाम्पल में बहुत क्लियर वो कह रहा है कि जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज और टीलोफेज है, इनमें सिर्फ एक घंटे का टाइम लगता है 1 आवर, और जो कंप्लीट साइकिल है उसमें 23 आवर्स जो है वो यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। ह्यूमन सेल के केस में ये ह्यूमन सेल के केस, या हम जनरली बोलते हैं 5% जो है टोटल टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम करती है एम फेज, और वो 95% इंटरफेज, ये 95% टाइम इसमें लगे और सिर्फ 5%, तो इसका मतलब तैयारी जो है जो प्रिपरेटरी फेज है उसी में मैक्सिमम टाइम सेल जब डिवीजन में जाती है तो कंज्यूम करती है। और यीस्ट का जो स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल दे रखा है उसका आंसर है आपके पास 90। दोनों डाटा इसीलिए दिए हैं, ये डेटा भी एनसीईआरटी की याद करने, और ह्यूमन सेल की बात करें तो आप 24 आवर्स बताना है, जिसमें 23 आवर्स प्रिपरेटरी फेज के और 5% जो टाइम है, या अगर आप कह सकते हैं 1 आवर ओनली, दैट इज द टाइम ऑफ डिवीजन। The G2 phase of the cell cycle is characterized by the presence of, देखिए G2 phase की बात कर रहे हैं सर, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, normal diploid 2n chromosomes, single chromatid बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए G2 S के बाद आया है तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ प्लोरिडी हम आगे चेक कर लेते हैं, सेल का क्या दे रखा है, DNA synthesis आप जानते हैं S में होगा, कभी नहीं होगा, double amount of DNA in chromosome then in S phase, definitely double amount of DNA जो है वो क्रोमोजोम का होगा। अब देखो दो बातें आपके पास है, नॉर्मल डिप्लोइड क्रोमोजोम, तो सर नॉर्मल डिप्लोइड क्रोमोजोम को हम क्यों नहीं कंसीडर यहां कर, थोड़ा सा देखने वाली बात हमारे पास ही है। ये अपन ने कॉन्सेप्ट बताया भी था पहले, भी बात की थी अपने, डायग्राम बनाया था एक, अगर बच्चों को याद है, G1 देन S देन G2, तो G1 में जो है कंडीशन जो है 2n, S में भी 2n, यहां पर भी 2n, यहां पर अगर DNA को डिनोट करें अमाउंट को 2C से, ऑब्वियसली यहां 4C हो जाएगा और यहां पर भी 4C रहेगा, बिल्कुल यहां पर कंडीशन मोनाड है, यहां डायड हो जाएगी और यहां पर भी डायड होगी, बिल्कुल। तो यहां पूछा गया है कि द्वारा लक्षित होता है तो करेक्टर जो है वो क्या होगा, यहां देखो नॉर्मल डिप्लोइड क्रोमोसोम्स 2n फॉर्म, 2n फॉर्म, तो अगर आप देखें तो G1 से लेके S और G2 तक वो डिप्लोइड फॉर्म, डिप्लोइड फॉर्म, प्लोइडी चेंज नहीं होती है, बहुत क्लियर है, प्लोइडी चेंज नहीं होती है, लेकिन यहां लिखा है डबल अमाउंट ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम देन इन S फेज। अब S फेज के कंपैरेटिवली डबल अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं हो सकता, क्योंकि S फेज में जो 4C है यहां पर भी 4C रहेगा, वही वहां ट्रांसफर होगा, तो इनमें से अब हमारे पास जो ऑप्शन है फिर वो बच जाता है फर्स्ट, क्योंकि यहां पर भी हमने देखो इसको एक बार रोक के हाइड करके बाकी सारे डिस्कस किए, इसका बेसिक रीजन यही है, जैसे कहा नॉर्मल डिप्लोइड क्रोमोसोम तो वो जो है वो 2n में भी प्रेजेंट है, लेकिन आप ये देखिए जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा है डबल अमाउंट ऑफ डीएनए देन S फेज, ठीक है, अगर S, हाँ अगर S नहीं लिखता तो जनरल कंडीशन हम मान भी सकते थे, G1 से डबल, हाँ G1 से डबल होता है, तो इसलिए हमारा आंसर फिर सर यहाँ डेफिनेटली क्या जाना चाहिए, डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, और मैं कहना चाहूंगा जैसे सर आपने बताया कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर अपने को चारों ऑप्शन पे जाके आंसर डिसाइड करना है, करना भी चाहिए, थोड़ा सा अगर डाउट है किसी ऑप्शन पे तो बाकी के 3 ऑप्शन जो है रीड करें, थोड़ा वो बिल्कुल गलत है उसके रेस्पेक्ट में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जो है टेली हो जाती है कि हाँ ये अपना, हाँ वो क्रॉस चेक हो जाता है। देखो एग्जाम में सर मैं जहां तक समझता हूँ बायोलॉजी के पेपर में 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो 20-30 क्वेश्चन होते हैं ना उनमें से 10-15 स्पेसिफिकली ऐसे होते हैं तो थोड़ा सा फोकस करके ही करें। 144, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो देखिए आप जानते हैं जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये न्यूक्लियर डिवीजन है, जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है,
और आप कहते हैं इसके ठीक बाद सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस में जाती है, जैसा अभी एम फेज की हम बात कर रहे थे, तो एम फेज में बच्चों आपने कहा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस यहां हो रहा है। बिल्कुल, यहां पर अपन डायग्राम बनाए, कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल में दो न्यूक्लियस जो है वो आपको विजिबल होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस साइटोकाइनेसिस। अब सर ये कह रहा है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो ओबियस न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया है, एक नहीं कई रेफरेंसेज आप यहां कनेक्ट कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी में तो मेंशन किया ही किया है जहां साइटोकाइनेसिस लिखा है वहां के अलावा एम्ब्रियोलॉजी में भी लिखा है, एम्ब्रियोलॉजी में जहां आपको एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बताता है वहां सर मेंशन कर रखा है देयर इज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, और हम कह सकते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होने का मतलब ये हुआ, आपने कहा कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ये न्यूक्लियसिस बन गए। अगर फर्दर फिर डिवीजन में जाते हैं फिर से साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो ओबीएस है नंबर ऑफ न्यूक्लियसेज जो है वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है या इसको आप कह सकते हैं सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, इसको सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन आप कहेंगे तब स्टूडेंट्स इस केस में कंटिन्यूअसली नंबर बढ़ता चले जाएगा। आपने एग्जांपल भी एकदम इंपॉर्टेंट दिया, एम्ब्रियोलॉजी में जो आपका मेगा स्पोर जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ऑफ, तो वहां पर हो रहा है। इसके अलावा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स और आप देखते हैं जो एंडोस्पर्म में कंपोनेंट मिलकर वो बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। देखो कई बार क्या होता है बच्चे गलती करते हैं या एनसीईआरटी का स्टेटमेंट जो उसको पढ़ने में गलती कर देते हैं, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, अब इस न्यूक्लियर के बजाय अगर आप सेल डिवीजन पढ़ लेंगे तो सब कंसेप्ट चेंज है। सक्सेसिव सेल डिवीजन वहां नहीं होगा जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, आप ध्यान रखें वहां सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन ही होगा जिससे नंबर ऑफ न्यूक्लियर और न्यूक्लियसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेंगे। तो अगर कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो ओबीएस न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा। अब ऑप्शन सर चेक कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन कभी नहीं होगी, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन डेफिनेटली आएगी, माइटोसिस का यहां कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। क्लियर, ये यहां साइटोकाइनेसिस में हम आगे और बात करेंगे। एक जैसे हमें जो सब दे रखा है ना कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ, सॉरी कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गए, सो इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ सिनसाइटियम। यहां दे रखा है वो एंडोस्पर्म के साथ भी कनेक्ट करता है, आगे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन और आएंगे अभी। नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम। देखो अच्छा हेल्दी क्रोमोजोम जो है वो आपको कब दिख सकता है, जब हेल्दी हेल्दी होगा तभी तो आप अच्छा देख पाएंगे, तो उसके लिए आप कह सकते हैं सर मेटाफेज में, मेटाफेज में बहुत परफेक्टली आप क्रोमोजोम को देख सकते हैं, और मेटाफेज में आपको पता है जो क्रोमोजोम्स होते हैं विद टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर होते हैं, और वी कैन से दैट इज अ डायड फॉर्म। क्लियर, प्रोफेज में तो विजिबल होना शुरू होते हैं, थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम आप ये भी कह सकते हैं वो जो है वो ओवरलैप भी होते हैं, वहां जाके क्लियर होते हैं क्योंकि मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होते हैं। यहां आप जानते हैं स्टूडेंट्स उसका माइटोसिस के केस में अगर जाऊं तो डिवीजन शुरू हो जाता है, और टीलोफेज में डॉटर क्रोमोजोम के फॉर्म में वो क्लस्टर बना लेते हैं, टीलोफेज में पहुंच जाते हैं पोल्स पे। तो आंसर हमारा हो गया सर मेटाफेज। नेक्स्ट, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होंगे। देखो वो कह रहा है कैन बी चेंज्ड, चेंज क्यों होना चाहिए जब अभी हम बात कर रहे थे थ्रू आउट सेल साइकिल प्लोरिटी जो है वो सेम रहती है, इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज नहीं होगा, डीएनए कंटेंट जो है बिल्कुल वो वेरिएबल होगा, वो डबल हो जाता है। ऑलवेज रिमेन सेम, कैन बी चेंज्ड इफ द सेल इज मैच्योर एंड कैन बी चेंज्ड इफ द सेल इज इमैच्योर। तो देखो मैच्योर इमैच्योर लिख के एक तरीके से आपकी मैच्योरिटी चेक कर रहा है ये, सही है ना, आपसे पता करना चाह रहा है कि आप वास्तव में मैच्योर है कि नहीं, क्योंकि कई बार जो है ना मतलब कई सारे बच्चों को होता है ऐसा या किसी को भी हो सकता है कि जबरदस्ती का कनेक्शन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम गलती कर बैठते हैं, और यही कॉम्पिटिशन है, वो यही चाहता है कि आपको कंफ्यूज करे। हाँ, आपको इसी इन ऐसी ही चीजों पे जो है ना वो आपका एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी चेक करता है, तो आप ध्यान रखें ऑलवेज रिमेन सेम, सदैव अपरिवर्तित रहेगी, चाहे प्रोसेस आप देख रहे हो माइटोसिस लिखा है तो आपको वैसे भी थ्रू आउट सेल साइकिल कोई प्लोरिटी चेंज नहीं करनी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली सेम सेम। ठीक है, आगे बढ़े सर 147, द इवेंट्स ऑन बिलो अकर ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, कई बार हम ऐसे क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं एग्जाम में ना, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, डेफिनेटली जितना पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा लगेगा ना उससे कम टाइम में आंसर आएगा इसका, ऐसे क्वेश्चंस होते भी इसीलिए हैं। द इवेंट्स ऑन बिलो ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस, सर मैं पढ़ रहा हूं आप उधर टिक करते जाएं, सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम।
तो फेज अगर हम ये बात करें, वो कह रहे हैं गुणसूत्र बिंदु से गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, संतति अर्ध गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। इवेंट दे दिया, इवेंट दे दिया, हम हमें टेबल पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो आप उधर सर फेज मेंशन कर दें इसका, यहां हो जाएगा एनाफेज। क्लियर, एनाफेज। उसके बाद कह रहा है क्रोमोजोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल। अभी मैं कह रहा था क्लस्टर बन जाता है, डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम, रीअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस। सो इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज, दैट इज टेलोफेज, है ना। जो टेलोफेज प्रोसेस है वो प्रोफेज का रिवर्स होता है, तो इसमें एग्जैक्टली सारी बातें आपको वो वैसी की वैसी मिलेंगी। फिर कह रहा है क्रोमोजोमल रेप्लिकेशन। सर ये भी कंफ्यूजन एक होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोजोमल डुप्लीकेशन, ठीक है ना। एग्जैक्टली दोनों वर्ड अगर इंटरचेंज करके लिख रहा है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कई बच्चों के डाउट देखे कई बार के सर लिखा है क्रोमोजोमल डुप्लीकेशन होना चाहिए था, डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए था। रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन जो है, और अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, क्रोमोजोम है ये, एस फेज में क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट हो गया, एड फॉर्म में चला गया। मतलब उसका जो क्रोमेटेड था एग्जैक्टली उसी की कॉपी तैयार हो रही है, द प्रोसेस इज नोन एज द रेप्लिकेशन, ठीक है ना, एंड दैट इज अ डुप्लीकेटेड फॉर्म। तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए अगर ये मेंशन किया है। और इसके लिए सर एस फेज हम लिख सकते हैं, और आपने एक कीवर्ड बताया था बच्चों को, अब वापस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि एक सेंट्रोमियर जब तक है तब तक एक ही क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तभी सेम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम, ये पक्का पता रखो आप। सेंट्रोमियर एक है, वो एक क्रोमेटिड को जोड़ रहा है या दो क्रोमेटिड को जोड़ रहा है वो फेजेज पे स्टेजेज पे डिपेंड करता है, बट एग्जैक्टली वो एक ही क्रोमोजोम होगा जब तक सर जो कह रहे हैं एक सेंट्रोमियर, जैसे सेपरेट हो गए फिर हाँ, दो क्रोमोजोम हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है सर काइनेटोकोर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमोजोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो देखिए इक्वेटोरियल प्लेट आपको पता है मेटाफेजिक प्लेट जो है वो बनाया जाता है, मेंशन सर करते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ये सर ने लिखा मेटाफेज। फिर उसके बाद स्पायरेशन ऑफ द क्रोमोजोम्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। तो देखो जितना हेल्दी वेल्दी मैंने भी कहा था होना है वो मेटाफेज तक हो जाएगा, उसके बाद में कंडेंसेशन नहीं होता है क्योंकि वहां इक्वेटोरियल प्लेट पर आगे अरेंज हो गया तो फिर डिवीजन में भी जाना है, तो ये लास्ट लिमिट जो है वो प्रोफेज में हो जाता है, प्रोफेज से हो जाता है, तो ये लास्ट लिमिट है एक तरीके से सर, प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है। या फिर अपन ये कहें क्रोमोजोम वर्ड जो आप बोल रहे हो, देखो ये भी थोड़ा की पॉइंट है, क्रोमोजोम की जो कंडेंसेशन है सर ने बोला प्रोफेज से शुरू हो जाता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की कंडेंसेशन मैं बोलूं तो क्रोमेटिन से लेकर आप कहते हैं जब तक मेटाफेजिक क्रोमोजोम बनना तब तक चल रही है। जैसे आपको ये दो ऑप्शन दे दिए जाएं, द क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड और नॉट कंडेंस्ड, तो आप कभी भी ये तो नहीं कह सकते कि वो कंडेंस नहीं है, दैट इज लेस कंडेंस्ड एक्सटेंडेड मटीरियल, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा गया लैंग्वेज में, जो क्रोमेटिन है दैट इज द लेस कंडेंस्ड एक्सटेंडेड फॉर्म, व्हाइल द क्रोमोजोम इज मोर कंडेंस्ड और हाईली कंडेंस्ड फॉर्म। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, ये स्टेटमेंट भी आपने जैसा बताया जो क्रोमोजोम है वो कई बार बोलते हैं ना हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, बिल्कुल हाँ, हाईली क्रोमोजोम, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, तो अल्टीमेटली क्रोमोजोम आपके पास बन गया और वो मेटाफेज तक होता रहेगा। और ये जो कंडेंसेशन जो करेक्टर पूछा इसने बोला कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, तो कंडेंसेशन प्रोफेज का करेक्टर काउंट कर ले। क्रोमोजोम वर्ड लगा के अगर आपको पूछे कब तक चलेगा, कहां से शुरू होगा, तो प्रोफेज से चलेगा, मेटाफेज में तक रहेगा, कंप्लीट रहेगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की कंडेंसेशन की बात करें तो क्रोमेटिन से लेकर क्रोमोजोम बनने तक, मेटाफेजिक क्रोमोजोम तक कंडेंसेशन मेंटेन रहेगा। ये इसके अकॉर्डिंग अपने मेंशन कर दिए ऑप्शन, ये इतना थोड़ा सा कर लोगे आप मुझे लगता है मेहनत, ठीक है। तो आगे बढ़े सर, नेक्स्ट 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर नॉट कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर सॉरी ऑफ टेलोफेज, टेलोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा इवेंट नहीं है। ये कह रहा है क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। देखो एग्जैक्टली वही बात लिखा है यहां पर, इसने बोल दिया कंडेंस्ड, ये लिखा है टेलोफेज, टेलोफेज अभी आपने बताया कि डीकंडेंस होता है, डीकंडेंस होता है, अभी स्टेटमेंट था पीछे के क्वेश्चन में। फिर सर लिखा है न्यूक्लियोलस, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीफॉर्म, रीअपीयरेंस में आती है, हमने अभी जैसा कहा था दैट इज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज, जो प्रोफेज में होता है उसका रिवर्स टेलोफेज में हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर्स, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्रोमोजोम के क्लस्टर पे असेंबल होगा। थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से बता सकते हैं सर, जैसे इसको दोनों पोल बता देते हैं, जैसे आपका एनाफेज कंप्लीट हो गई जी, आपने बताया कि एनाफेज में जो क्रोमोजोम है वो पोल पे पहुंच गए जी, और उसके बाद पहुंचने के बाद वो वापस से टेलोफेज स्टार्ट होती है, वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर, वापस इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रोमोजोम की नहीं रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके चारों तरफ अब जो है वो बनने लग जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस वो रीअपीयर हो गया, रीअपीयर हो गया, तो टू डॉटर न्यूक्लियाई आ गए, बिल्कुल ये दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं। अब इसके बाद में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस शुरू हो गया, फिर फर्दर डॉटर सेल्स का एग्जिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सब ठीक है स्टेटमेंट टेलोफेज के अकॉर्डिंग।
ये हमारे पास इनकरेक्ट भी करेक्ट हो गया। डी पढ़ लेता हूं मैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। देखिए स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर की जो है वो एनाफेज का कैरेक्टराइजेशन है, इसलिए ये भी आपके पास नहीं होगा। फिर लिखा है बच्चों क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी एज डिस्टेंस एलिमेंट इज लॉस्ट। अभी सर बोल रहे थे यही स्टेटमेंट सर ने बोला था कि क्रोमोसोम्स वहां क्लस्टर बना तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपनी वो खो देंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी। ये भी करते हैं। तो देखिए हमारे पास बी और सी एंड ई ई, ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है स्टूडेंट्स। ए बी डी ओनली आपसे पूछा, करेक्ट नहीं है सॉरी, लाक्षणिक गुण जो नहीं है वो पूछा है, तो कौन सा नहीं है आपके पास? ए और डी नहीं है, ए एंड डी ओनली, ये आंसर आपके पास सेकंड आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, कोल्चिसिन एक्ट एट विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस? माइटोसिस के कौन से स्टेज में कोल्चिसिन जो है वो एक्ट करता है? तो सर ये जो है वो कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से आप ऐसा कहते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर असेंबली उसको रेस्ट करवाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो आपके पास देखो प्रोसेस आंसर बता देते हैं, मेटाफेज। और इससे दो तीन पॉइंट बनते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दे रखा लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताऊं सर, मैं मॉर्फोलॉजी में कॉल्चिकम दे रखा आपको, कॉल्चिसिन ऑब्जेक्ट है और उसका यूज जो है उसका ये आपके पास रेफरेंस है। तो देखो कनेक्ट करना चाहो तो सब्जेक्ट कहीं से भी कनेक्ट होता है। मॉर्फोलॉजी में जहां फैमिली हमें दे रखी है डिस्क्रिप्शन, वहां कॉल्चिकम का एग्जांपल एग्जैक्टली दे रखा है और कॉल्चिसिन वहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। और जैसा सर कह रहे हैं दैट इज यूज्ड टू अरेस्ट द स्पिंडल फाइबर्स असेंबली। बिल्कुल, तो अपन बोल सकते हैं जो प्रोफेज में असेंबली होती है स्पिंडल फाइबर की, तो ये क्या करेगा, असेंबली को अरेस्ट कर देगा। जैसे आपने बताया पॉलीमराइजेशन नहीं होने देगा, नहीं तो नहीं होगा, तो जो सेल है वो मेटाफेज में आके स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब मेटाफेजिक क्रोमोसोम प्लेट पर तो अरेंज होने, लेकिन पोल से उनकी कनेक्टिविटी बनाने वाली स्पिंडल फाइबर असेंबली को ये नहीं बनने दे रहा है। प्रोफेज तो कंप्लीट हो ही जाती है लेकिन मेटाफेज में आगे अरेस्ट हो जाएगी। तो सर इसको एक तरीके से डिवीजन, सेल डिवीजन का इनहिबिटर हम कह सकते हैं। बिल्कुल सर, इसको यूज भी करते हैं अपन, एंटी कैंसरस ड्रग है, एंटी कैंसरस ड्रग है जिसमें कैंसर सेल्स को डिवाइड होने से रोका जाता है। बिल्कुल। तो ये देखिए कोल्चिसिन हमें बच्चों पूछा था कौन से स्टेज में एक्ट करता है, तो हमने कहा अरेस्ट द मेटाफेज। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन समटाइम देयर विल बी ए फेलियर ऑफ द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए ये कह रहा है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इस क्रोमोसोम के, और वो कह रहा है कि समटाइम्स देयर इज द फेलियर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स, इन सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन नहीं होता है। अब जब सेपरेशन नहीं होगा तो ओबीएस है ये क्रोमोजोम स्पिंडल फाइबर असेंबली के साथ सर कनेक्ट हुए हैं तो कहीं तो जाएंगे। बिल्कुल, सेपरेशन जरूरी। हाँ, सेपरेशन जरूरी है। अगर सेपरेशन नहीं हुआ तो बिना सेपरेशन कहीं तो इसको कोई ना कोई पोल अपनी तरफ ले जाएगा, और ऐसा अगर होगा तो डेफिनेटली प्लोरिडी जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो थोड़ा सा इसमें देखें सर, तो ये देखो जैसे सर ने डायग्राम बनाया ये मेटाफेज का है जी, और आपको पता है एनाफेज में क्या होता है, ये सेपरेट होते हैं और ये पोल की तरफ मुंह करते हैं। अगर ये सेपरेशन ना हो तो ये उस केस में बात कर रहा है कि प्रतिक्रमण विफल हो जाए तो उसको कंडीशन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो ये पहले ये तो क्लियर कर दें इनको कि जैसे ये सेपरेट हो रहे इसको बोलते हैं डिसजंक्शन, डिसजंक्शन हो गया, और नहीं हो तो इसको बोल देंगे नॉन डिसजंक्शन। ऐसा ही सिमिलरली मियोसिस के केस में भी हम देख सकते हैं सर, मियोसिस के केस में बच्चे जैसे जानते हैं देयर विल बी द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है मियोसिस फर्स्ट में आप देखते हैं एनाफेज फर्स्ट जैसे ही आएगा तो यहां डिसजंक्शन होगा पेयर का, तो यहां हो रहा है क्रोमेटिड्स का, तो ऑब्वियस है अगर ये फेल्योर हो जाता है तो डेफिनेटली वहां होगा नॉन डिसजंक्शन, और इसका इंपैक्ट जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्लोरिडी जो है उसको डिस्टर्ब कर दे। और ये तो आपने जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये हो गया तो जो गैमेट्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम का नंबर वेरी करेगा और उसकी वजह से फिर फर्दर प्रोजेनी में सिंड्रोम्स क्रिएट, सिंड्रोम्स क्रिएट, तो ये जूलॉजी में काफी सिंड्रोम बताते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस। हां, आप जो एडवर्ड पटाउ डाउन ये सब जो पढ़ते हैं ये उधर वालों की बात है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये जो है वो इस तरीके से इस माइटोसिस के केस में, ये मियोसिस के केस में एनाफेज फर्स्ट। बिल्कुल ठीक है, तो आगे चले सर। नेक्स्ट, मेटाफेजिक न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय, मेटाफेजिक न्यूक्लियस को वो कह रहा है कि एनक्लोज होता है नॉन पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो गई थी पहले। बिल्कुल, उसने बोला मेटाफेजिक न्यूक्लियस, तो यही जो है ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में ही, मेटाफेज में न्यूक्लियस होता ही नहीं, न्यूक्लियस अपनी एग्जिस्टेंस प्रोफेज में खो देता है। बिल्कुल, तो फिर लिखा है पोरस डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉन पोरस डबल डिसकनेक्टेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो देखो पहले आपको खूब अच्छा इसने आपको टेस्ट किया है, आपको चेक किया है, और उसके बाद में कह रहा है स्टेटमेंट जो दिया गया कथन है वो गलत है। तो डेफिनेटली मेटाफेजिक न्यूक्लियस जो है वो इनकरेक्ट एग्जिस्टेंस है, यहां आपके पास आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द ईआर एंड जीबी आर
रीऑर्गेनाइज्ड इट। रीऑर्गेनाइजेशन का कब होता है? बार बार हम बात कर रहे हैं, सीधा टीलोफेज आने से ज्यादा प्रोफेज का रिवर्स टीलोफेज। तो देखो स्टूडेंट्स, बिना इस पे टाइम लगाए हम कह सकते हैं बिगनिंग ऑफ द टीलोफेज, रीअपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द ह्यूमन सेल्स साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स। ह्यूमन सेल्स में साइटोकाइनेसिस क्या इन्वॉल्व करता है? द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखिए सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन जो है वो एनाफेज का करेक्टर है। फिर कह रहे हैं द कंट्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। इंपॉर्टेंट है सर, एक्टिन फिलामेंट जो MF हम पढ़ के आए, माइक्रोफिलामेंट्स। जी बिल्कुल, थोड़ा सा डायग्राम से बता दें, ये बात कर रहा है ह्यूमन सेल की। तो ह्यूमन सेल में फरो मेथड होता है, सेल फरो मेथड होता है। तो जैसे ही दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद सेल को डिवाइड होना होता है। तो यहां ह्यूमन सेल के केस में ये जो फ्यूरो बनता है, फ्यूरो बनता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपके माइक्रोफिलामेंट्स है, जो MF मैंने लिखा है यहां, एक्टिन फिलामेंट जिनको ये मेम्ब्रेन में इनर साइड में सराउंडिंग में बिल्कुल ये कनेक्ट हो जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं माइक्रो। तो ये अंदर की तरफ क्या होंगे, डिप्रेशन होगा और जैसे ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ कनेक्ट कर देंगे फाइनली, और ये फरो बन जाएगी। और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और भी बच्चों को मिल सकते हैं, ये जो फॉर्मेशन है साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो है आउटसाइड टू इनसाइड, पेरिफेरी टू सेंटर। बिल्कुल, तो ये सेल फ्यूरो मेथड के लिए तो हमारे पास ये मिल गया। देखो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। इसके आगे पढ़ लेते हैं फिर एक सर एक बार, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो डीपॉलीमराइजेशन भी जो है ना एग्जैक्टली एनाफेज में ही जाके होगा कि जब क्रोमोसोम अरेंज है और उसके बाद डीपॉलीमराइज हो रहे हैं। फिर कह रहा है ए प्रोटीन काइनेज दैट फॉस्फोराइलेट अदर एंजाइम्स। तो जो काइनेज प्रोटीन दे रखा है फॉस्फोराइलेट द अदर एंजाइम्स, उसका एग्जैक्टली साइटोकाइनेसिस की एक्टिविटी चेक पॉइंट में जनरली देखे जाते हैं, कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। चेक पॉइंट जो एग्जैक्टली सेल के रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं उन पे इसको आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास परफेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीट द सेल एंटर्स इन स्टेज इज कॉल्ड। तो सबसे पहले सिनेप्सिस की बात सर हम करें, उससे पहले देखिए जो मियोसिस है, मियोसिस फर्स्ट, इस मियोसिस फर्स्ट में आप जानते हैं स्टेज प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट के सब फेजेज होते हैं जिसको आप कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड टाइकाइनेसिस, ठीक है ना। ये स्टेप्स हैं, फोर स्टेप्स हमारे पास ऑप्शन में सर मेंशन कर रखे हैं, इसमें लेप्टोटीन नहीं दिया है। तो सबसे पहली बात तो मैं सर ये बोलना चाहूंगा कि ये जो सारे स्टेजेज हैं, द सब स्टेजेज ऑफ द प्रोफेज All are based on the behavior of chromosome. क्या chromosome कैसा appear होता है, उसमें behavioral changes क्या आते हैं? ये जो behavioral changes हैं, वो exactly ये behavioral changes exactly इन सारे phases को determine करते हैं। तो सर हम थोड़ा सा diagrammatic presentation के साथ जाना चाहेंगे। ये leptotin में अगर मैं बात करूँ, तो leptotin में आप ये कह सकते हैं chromosomes जो हैं, वो visibility में आते हैं और इस तरीके से overlapped form में भी होते हैं, ये लिपटे हुए होते हैं। मैं एक बहुत general अगर term बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ लिपटे हुए से होते हैं, और ये जो chromosomes हैं ये लेप्टोटीन में है, जो बहुत क्लियर विजिबिलिटी के बजाय ओवरलैप फॉर्म में आपको मिलते हैं। उसके बाद देखिए जाइगोटीन हमें दे रखा है, और जो क्वेश्चन है हमारा वो उसी से कोरिलेट करता है। ये एक बाइवेलेंट फॉर्मेशन आपको यहां दिखाई देगा, मतलब दो जो क्रोमोजोम हैं वो बहुत सॉरी क्लियरली साथ साथ आपको दिखाई देंगे। ये देखिए बहुत क्लियर आप जो है वो दो क्रोमोजोम्स को एक साथ देख सकते हैं, ये अपने आप में एक बाइवेलेंट है, ठीक है। और इसी को जो है वो सिनेप्सिस दैट प्रोसेस, हाँ, जो प्रोसेस है कंसीडर किया जाता है। आगे सर अगर हम देखें, सर बना रहे हैं पेकाइटिन का डायग्राम आपके सामने, सर ने बताया कि यहाँ पर सिनेप्सिस हो गया और सिनेप्सिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो बीच में होंगे तो ये पेयरिंग तो हो जाती है बिल्कुल। तो सिनेप्सिस की बात करें तो करेक्टर हो गया वो जाइगोटीन का, इस जाइगोटीन में हमें ये मिल गया, ये लेप्टोटीन था देन बिल्कुल। और अब आएगी पेकाइटिन, पेकाइटिन में इसका जो मेन कैरेक्टर है, पहले तो देखो ये जो सर ने बताए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम ये आपस में अटैच होंगे और ये नोड्यूल्स बनाएंगे, पहले स्पेसिफिक साइट पर जहां ये अटैच होते हैं इनको नोड्यूल बोलते हैं, यहां रिकॉम्बिनेशन होना है, अल्टीमेटली हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल सर इनको बिल्कुल कह दो, जहां नोड्यूल बनेंगे वहीं हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, जीन एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर अकर्सिंग। हम सर इन इन सारे स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर लेते हैं, जैसे ज्यादा ठीक है कि क्वेश्चन आता है, देन आगे आप एक बार ड्रॉ कर दें पेकाइटिन के बाद, जैसे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में सेल जो है नेक्स्ट स्टेज में एंटर होगी। एनसीईआरटी ने एक लाइन मेंशन करी है, व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज ओवर प्रोसेस शुरू हो जाएगा डिप्लोटीन, और जैसे डिप्लोटीन होगा तो सबसे पहले तो ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसका होगा डिसोल्यूशन होगा, वो खींचेंगे ऐसे स्ट्रेच करेगा वो, तो वो एक्स लाइक अपीयरेंस वाला स्टूडेंट, जैसे ही डिसोल्यूशन हो जाएगा तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है
वहां पर ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर विजिबल होना स्टार्ट हो गया अपीयरेंस एक्स और उनको अपन बोल देते हैं काइजमेटा 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 करेक्टर हो गया आपका डिप्लोटीन डिप्लोटीन का और जैसे ही काइजमेटा बनेंगे उसके बाद में सेल एंटर हो जाएगी जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर होगा जो क्रोमोसोम्स है जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है वो अपने pair of homologous chromosomes जो साइटोप्लाज्म में scattered होंगे scattered होंगे बिखरे होंगे terminalization of chiasmata तो दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और जो chiasmata है उसका terminalization हो जाएगा जो X बने हुए थे वो अब dissolve हो जाएंगे मतलब वो वहां से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो सर अगर मैं summarize करूं उसको देखिए लेप्टोटिन में लिपटे हुए होते हैं ये सीधा सीधा सा अगर बहुत जनरल टर्म्स के साथ हम जाए जाइगोटिन में जो है ना वो एक दूसरे को आप ये कह सकते हैं जाइगोट करते हैं जुगाड़ करते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ये सिनेप्सिस बनाते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ठीक है सो हियर द विजिबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम्स इज लेस बट दे विल कम टुगेदर एंड रिप्रेजेंट ए ओवरलैप्ड कंडीशन बिल्कुल यहां आपने कहा जाइगोटिन में बाइवेलेंट बना देंगे ये जो बाइवेलेंट का बनना है सिनेप्सिस का जो प्रोसेस है वो इस जाइगोटिन का ही करेक्टरिस्टिक फीचर है जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें पूछा गया है ये बाइवेलेंट है Here, a pair of homologous chromosomes. ठीक है जैसे ह्यूमन सेल की हम बात करें सर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स बच्चों आपको वहां देखने को मिल सकते हैं उसके बाद पैकाइटिन पे आप जाएंगे तो पैकाइटिन में ये पैक्ट करेंगे पैक्ट करने का मतलब कोई समझौता इनके बीच होगा दैट इज दैट पैक्ट इन द फॉर्म ऑफ द जीन एक्सचेंज और उसको आप कहते हैं ये सर ने जो मार्क किया था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज होगा दैट विल बी द रिकॉम्बिनेशन और यही वेरिएशन लाने का पहला स्टेप है बिल्कुल ओके बार वो पूछ भी लेता है जो रिकॉम्बिनेशन नोडल है वो रिप्रेजेंट करते हैं जहां क्रॉसिंग और होने वाला है और जहां काइजमेट आपको विजिबल हो रहा है इसका मतलब क्रॉसिंग और हो चुका है हां ये काइजमेट इट इज द साइट दैट इंडिकेट्स दैट हियर क्रॉसिंग और इज ओवर नाउ और ये जो है वो साइट है जहां क्रॉसिंग और का प्रोसेस हो रहा है तो ये सर पैकाइटिन कैरेक्टराइज किया गया क्रॉसिंग और से ये सर ने जैसा अभी कहा काइजमेटा से दो की पॉइंट है इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड काइजमेटा विजिबल काइजमेटा जो है वो उसका डिप्लोटिन का करेक्ट हो जाएगा एक स्टेटमेंट ऊपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार वो इन सम वर्टिब्रेट्स हां डिप्लोटिन लास्ट फोर मंथ और इयर्स हां कई सस्पेंड हो जाती है मतलब लंबे टाइम तक ये जो है वो पड़ी रहती है तो हां ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बोलेगा स्टेटमेंट पूछ ले प्रोलोंग्ड कंडीशन भी हम कह सकते हैं सर स्कूल को सर और फिर उसके बाद में फाइनली सर ने जैसा ड्रॉ कर रखा है लास्ट में अपन बोल सकते हैं कि आपका फर्स्ट टर्मिनलाइजेशन जी हो गया इसके बाद में न्यूक्लियर न्यूक्लियस ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपीयर डिसअपीयर हो गया और यहां पर जो अगर एनिमल सेल के केस की बात करें तो जो आपके सेंट्रोसोम्स हैं जो एस्टर है वो पोल पे पहुंच जाते हैं अरेंज हो जाते हैं क्योंकि इसके ठीक बाद आपको पता है मेटाफेजिक जो असेंबली है उसको क्रिएट कर रहा है तो ये स्टेजेस क्लियर हुए होंगे लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस और अब आगे चलते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 154 के बाद लेकिन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है तो देखो ये एनाफेज फर्स्ट में ऐसा हो सकता है बिल्कुल ये इस तरीके से माइटोटिक सॉरी मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स असेंबली बनी हुई है ये आपको देखो इक्वेटोरियल प्लेट पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर दिखाई दे रहा है तो सर क्या यहां मेटाफेजिक प्लेट जो है वो दो बनती है बिल्कुल डबल मेटाफेजिक प्लेट हम कह सकते हैं दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड ये कोई नंबरिंग एग्जैक्टली नहीं होती बट टू मेटाफेजिक प्लेट आप कह सकते हैं यहां बन जाती है अब इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में सर लिखा है स्टेज व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को तो आपको सेपरेट कराना है तो इसका मतलब ये हो गया ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए तो जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे सेल के वो पेयर के फॉर्म में मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज थे अब उसमें से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर जाएगा और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस पोल पे चला जाएगा तो इस तरीके से ये जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट वन पोल एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट अदर पोल यही रिडक्शन है तो क्या सर हम ये भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ ही इंडिकेट कर सकते हैं कि इट इज एग्जैक्टली द रिडक्शन मियोसिस फर्स्ट को जो रिडक्शन कहा जाता है या रिडक्शन फेज कहा जाता है एक्चुअल रिडक्शन यही होता है और ये जैसा मैं बार बार बात कर रहा हूं आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास एनाफेज एनाफेज फर्स्ट ठीक है इसमें देखो
पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर रिमेन एसोसिएटेड, जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है। सिस्टर क्रोमेटिड को भी तो सेपरेट करना जरूरी है। हाँ, सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो फिर एनाफेज सेकंड में जाके जो मियोसिस सेकंड है दैट इज जस्ट लाइक एज द माइटोसिस, तब जाके ये सेपरेट होम। उसका मतलब अगर वो क्वेश्चन पूछे सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फिर अपन बोले एनाफेज फर्स्ट और सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस एनाफेज सेकंड, ठीक है ना, दैट इज जस्ट लाइक एज द माइटोसिस। ये बिल्कुल सही बात है। सर का स्टेटमेंट फिर से सुन ले यार, अगर आपसे पूछा जाए द सेपरेशन ऑफ द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आपका आंसर आना चाहिए एनाफेज फर्स्ट, आपसे पूछा जाए द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस तब आपका आंसर आना चाहिए एनाफेज सेकंड, ठीक है। सो सर मूव करते हैं नेक्स्ट। विच वन इज नॉट फाउंड इन जाइगोटीन ऑफ मियोसिस, आपसे पूछा गया है जो जाइगोटीन है मियोसिस का उसमें से कौन सा नहीं होता। देखो सिनेप्सिस, अभी हम करेक्टराइज करके आए हैं सिनेप्सिस होना जाइगोटीन का करेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर कह रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना, ऑब्वियस है सिनेप्सिस होगा तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर कह रहा है बायवेलेंट क्रोमोसोम, ये बच्चों आप अभी क्लियर कर चुके हैं कि बायवेलेंट जो है वो डेफिनेटली यहाँ बनेगा और ये जो बायवेलेंट है यही करेक्टराइजेशन है सिनेप्सिस का और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। क्रॉसिंग ओवर, देखिए आपने कहा था पैक्ट करेंगे पैकाइटीन में, तो पैकाइटीन जो है दैट इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर और करेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ जाइगोटीन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ फोर, जैसा सर हम डिटेल में भी सारे सब स्टेजेस और फेजेस डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चले, मैच द सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस विद कॉलम सेकंड एंड चूज द राइट ऑप्शन। प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाओं को आपको दिया है, तो देखो लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटीन और डाइकाइनेसिस दिए हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी हमने काफी डिटेल में बात कर भी ली है। सर सबसे पहले कह रहा है लेप्टोटीन, तो देखिए कहीं लिपटे हुए क्रोमोसोम आपको लिखे दे रखे हैं। इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ये आपने जो बोला था ना कुछ देर पहले कि क्रोमोसोम के कंडेंसेशन की बात करें तो प्रोफेज से ही शुरू करना है, तो देखो ये प्रोफेज का पहला ही स्टेज है, पहला सब स्टेज है एक तरीके से। फिर उसके बाद में कह रहा है जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में आप बच्चों कह सकते हैं ये बना लेगा सिनेप्सिस। पैकाइटिन कह रहा है, पैकाइटिन में ऑब्वियस है क्रॉसिंग ओवर कर लेगा, और डाइकाइनेसिस में आप कह सकते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो ये बच्चों सारे एक तरीके से हमने मैच कर दिए हैं, आप इसमें से ऑप्शन जो है वो डिटेक्ट कर लें। बिल्कुल आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर। 158 डिप्लॉइड सेल विच कंसिस्ट 46 क्रोमोसोम्स, देन हाउ मेनी बायवेलेंट और टेट्राड फाउंड इन जाइगोटीन। तो देखिए वो कह रहा है 46 क्रोमोसोम है सेल में और सेल है डिप्लॉइड, 2n = 46, ह्यूमन सेल का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। सर थोड़ा सा ड्रॉ कर दें यहां बच्चे जो अच्छे से पता कर लें, हाउ मेनी बायवेलेंट्स और टेट्राड, देखो बायवेलेंट और लिख रहा है टेट्राड, तो बेसिक रेफरेंस तो आपको वो यही बताना चाह रहा है कि ऐसे देखो ये क्रोमोसोम जो थे ये बायवेलेंट के फॉर्म में आ गए, जो जाइगोटीन में हम पढ़ के आए ये बायवेलेंट में है। सर इसी को मैं टेट्राड कह सकता हूं। सर ये टेट्राड है, बायवेलेंट है, ये बायवेलेंट होने के साथ साथ टेट्राड है, और टेट्राड क्यों है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फोर क्रोमेटिड्स, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, तो आप ये कह सकते हैं फोर क्रोमेटिड्स यहां है इसलिए इसको आप कहेंगे ये टेट्राड अपीयरेंस शो करता है, टू क्रोमोसोम्स यहां है इसलिए बायवेलेंट है। तो सर नंबर देख लें एक बार, हाफ हो जाएगा। हाँ टोटल 46 क्रोमोसोम है तो टेट्राड ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फिर तो 23 टेट्राड बने, टेट्राड बने, ठीक है। लेकिन ये डिप्लॉइड सेल व्हिच कंसिस्ट 46 क्रोमोसोम देन हाउ मेनी बायवेलेंट और टेट्राड जाइगोटीन, ऑब्वियसली देयर आर 23 टेट्राड्स। बिल्कुल आपने देखो सर ये डायग्राम जो बनाया यहां पर कई बार वो क्वेश्चन भी डिजाइन करता है, आपने वैसे ओरली बता दिया है, अगर अपन मेंशन कर दें बच्चों के फायदा हो जाए थोड़ा सा, अगर पूछे इस टेट्राड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये कह चुके हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम टू सेंट्रोमियर, अगर वो बात करें नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स तो एक क्रोमेटिड में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है फिर फोर हो जाएगा। आपको पता है ना जीवन में जो था सिंगल क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड के फॉर्म में तो वही तो रेप्लिकेट हो गया है, सो डीएनए मॉलिक्यूल ने अपने आप को कॉपी किया रेप्लिकेट किया है, तो आपके पास टोटल नंबर जैसा सर ने मेंशन किया यहां चार डीएनए है, चार क्रोमेटिड है, दो क्रोमोसोम है और दो सेंट्रोमियर, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट, इफ ए मियोसाइट सेल कंटेन 26 क्रोमोसोम्स इन जी1 फेज देन हाउ मेनी क्रोमेटिड्स इज आर
प्रेजेंट इन ईच क्रोमोसोम ऑफ द एनाफेज फर्स्ट। देखो यहाँ एक से ज्यादा कंडीशंस आपको दी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया है। सबसे पहले तो लिख दिया मियोसाइट, तो ऑब्वियस है मियोसाइट जिसमें हो रहा है वो क्या है, जिसमें हो रहा है वो मियोसिस डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है सेल जो है वो 26 क्रोमोसोम्स उसमें है और वो जीवन फेज में है। तो सर मेंशन कर दें आप जीवन एस और जी टू, बिल्कुल। उसके बाद एम फेज हम देखते हैं, तो कह रहा है जीवन फेज में आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 26 था, ठीक है। ऑब्वियस है इसके बाद आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वेरिएबल नहीं मिलेगा, बिल्कुल जी टू में भी 26 ही रहेंगे। हाँ जी टू तक 26 ही रहेंगे। आपको कह रहा है हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच क्रोमोसोम ऑफ एनाफेज फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एनाफेज फर्स्ट की बात की और अपन जानते हैं एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम जो है वो डायड फॉर्म में रहता है, बिल्कुल। जैसा आपने बताया होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर सेपरेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड, बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन था पूरा अपना इस पे, बिल्कुल बात हो चुकी है, ये डायड फॉर्म में होगा। तो इसने पूछा है कि एनाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम्स हैं कितने क्रोमेटिड्स उसमें प्रेजेंट होंगे, ईच क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड 2 प्रेजेंट, 2 ओनली। देखो कॉम्प्लिकेशन डालने की कोशिश की, बहुत क्लियर रखे आप, 26 क्रोमोसोम्स थे जीवन में, आपने ये क्लियर कर लिया। यहाँ 26 थे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 26 ही रहेंगे। अगर डीएनए कंटेंट की यहाँ बात करता है, जैसे मान लो सी टू सी या फोर सी जो भी रेफरेंस देता, तो उसका जस्ट डबल रेफरेंस हम इन दोनों फेजेज में शो कर देते। अब एनाफेज फर्स्ट आपको कह रहा है जब डिवीजन हो रहा है, देयर इज द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जैसा सर ने बताया आपको डायड, एक वर्ड ध्यान रखें, ये वर्ड्स कीवर्ड्स काफी काम आते हैं, मोनाडायड टेट्राड। तो उस कंडीशन में दो क्रोमेटिड्स उसमें प्रेजेंट हुए। कंटिन्यू करें सर जी। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, देखो ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, फंक्शनल रिकॉम्बिनेज एंजाइम फंक्शनल। अभी अपन ने बात की थी रिकॉम्बिनेशन की बात की थी, हाँ अभी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बना रहे थे। जैसे नोड्यूल बनेंगे जहां पर ये अटैच होते हैं नोड्यूल बन गए, लेकिन जैसा आपने बताया कि जहां नोड्यूल बनेगा वहां जीन ट्रांसफर, हाँ बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जो ट्रांसफर होता है इसका मतलब वहां पर आपको डीएनए को कट भी करना पड़ेगा और दूसरी जगह ले जाकर उसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को कैटलाइज करवाने के लिए होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। नाम से देखो रिकॉम्बिनेज, दैट कैटलाइज रिकॉम्बिनेशन, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन कहां है, आपका पेकाइटिन में है, तो वहीं इसकी रिक्वायरमेंट होती है रिकॉम्बिनेशन। पुनर्योगस, पुनर्योगस जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करेगा। तो ऑब्वियस है जहां आपके पास पेकाइटिन है, जहां क्रॉसिंग ओवर होता है, वो इसका आंसर हो जाएगा। कंटिन्यू करें 161, व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्लोटी। अब देखिए सारे वो फेजेस डिस्कस कर चुके हैं, तुम सीधा जा सकते हैं। इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इयर्स इन सम इनवर्टिब्रेट्स, सर ने बोला था स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन यहां क्या है इनवर्टिब्रेट्स लिखा है, यहीं ये रॉन्ग हो गया। फिर क्या है कियाज्मेटा आर एब्सेंट इन इट, डिप्लोटीन कह रहा है कियाज्मेटा तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका, तो ऑब्वियस इनकरेक्ट हुआ। फिर सर कह रहा है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सर ने कहा था दो पॉइंट याद रखें, एक तो आप कह रहे हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, और एक जो है कियाज्मेटा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा सर, हमारे पास आंसर इसका आ गया। थर्ड पूरा प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्स शेप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखिए एक्स शेप की बात कर रहा है, बिल्कुल एक्स ही बना लीजिए भले यार, सॉरी ये लीजिए ये एक्स शेप क्रोमोसोम, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट एक्स है, ये एक्स बने कैसे, तो जैसा हम डिस्कस करते हैं क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद जब वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको डिसोसिएट करेंगे, तब अल्टीमेटली कियाज्मेटा फॉर्मेशन होगा और ये एक्स शेप स्ट्रक्चर होगा। सर ऑप्शंस दे रखे हैं मियोसिस, समसूत्री विभाजन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट डेफिनेटली वही आंसर हो जाएगा जो आपके पास दे रखा है। और मियोसिस फर्स्ट का भी कौन सा स्टेज, डिप्लोटी। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ER एंड GBRB अपीयर्ड, तो हम मेंशन कर सकते हैं रीअपीयर होती है टीलोफेज में। फिर उसके बाद लिखा है सर क्रोमोसोम्स आर डीकंडेंस्ड एंड कन्वर्ट इनटू द क्रोमेटिन फाइबर, ये भी डेफिनेटली टीलोफेज में जाके होगा। फिर कह रहा है वन क्रोमोसोम कंसिस्ट टू क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हैं। अब ये देखिए टीलोफेज अगर फर्स्ट कह रहा है तब तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन माइटोसिस का सिर्फ टीलोफेज लिख के आपको दिया तब हम सिंगल क्रोमेटिड पे ही जाएंगे। तो यहां बस वही ट्विस्ट आ गया, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है वन क्रोमोसोम कंसिस्ट टू क्रोमेटिड, जैसे आपने अभी डिस्कस किया था कि एनाफेज जो फर्स्ट है उसमें जो आपके सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, आपने कहा रिमेन एसोसिएटेड द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड, और एनाफेज फर्स्ट की बात की टीलोफेज फर्स्ट आएगी, टीलोफेज फर्स्ट। तो यहां थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर टीलोफेज फर्स्ट जो है उनको सबको फर्स्ट मेंशन होगा।
फिर देखिए, हाँ ये तीन ही ऑप्शन हमें दे रखे, तीन ही स्टेटमेंट दे रखे, तो इनके अकॉर्डिंग ये टीलोफेज पे देखो, यहाँ बच्चों थोड़ा सा चेंज करता, वो कहता वन क्रोमोजोम कंसिस्ट वन क्रोमेटिड, इसको अगर सिर्फ वन लिख देता तब तो आंसर हो जाता टीलोफेज, और इसने कहा वन क्रोमोजोम कंसिस्ट टू क्रोमेटिड, तो आपका आंसर हो गया टीलोफेज सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट 164, फर्स्ट चेक पॉइंट इज फॉर्म्ड बिटवीन, देखिए ये चेक पॉइंट जो है वो सेल के रेगुलेशन को आप कह सकते हैं ऑब्जर्व करते हैं, रेगुलेशन को आप यहां से डिस्कस कर सकते हैं, सर थोड़ा सा चेक पॉइंट हमें ड्रॉ करने चाहिए एम जी वन एस एंड जी टू। तो देखो सेल अपना जो प्रिपरेटरी फेज है प्रिपरेशन कर रही है, डिवीजन में जाने से पहले सेल को कई पॉइंट्स पर या स्पेसिफिकली रेगुलेटिंग पॉइंट्स पर चेक किया जाता है, बिल्कुल है कि सेल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके। सेल जब डिवीजन में जाती है तो आप कहते हैं अपना साइज इंक्रीज करती है, साइटोप्लाज्म वॉल्यूम इंक्रीज करती है, सेल इज इन एडिक्वेट साइज और नॉट, ये चेक पॉइंट चेक कर सकता है, प्रिपरेशन जो है उसके बारे में हुई है कि नहीं है, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज हुए हैं कि नहीं हुए, जो डीएनए मटेरियल यहाँ डीएनए रेप्लिकेट हुआ है दैट इज डैमेज्ड और नॉट, ये वो चेक कर सकता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चेक पॉइंट होते हैं, सब मेंशन कर दें। पहला लिखा है जी वन एस पेज, बिल्कुल यहाँ मेंशन कर देते हैं जी वन देन एस देन जी टू, और जी टू के बाद आती है फिर अपनी एम फेज। तो जैसे सर ने बताया सबसे पहले जी वन से एस, तो यहाँ पर फर्स्ट चेक पॉइंट होता है, बिल्कुल, और ये सर सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, मेजर चेक पॉइंट दैट इज कॉल्ड जी वन एस चेकपॉइंट, क्योंकि ये जो सेल है वो मैक्सिमम एक्टिविटी अपनी डिवीजन के जो प्रोसेस, मतलब ये जो इंटरफेज है डिवीजन का जो प्रिपरेटरी प्रोसेस है उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी इन तीनों के कंपैरेटिवली इसमें मैक्सिमम कर लेती है, तो ऑब्वियस है वहां सेल को सबसे ज्यादा चेक किया जाना जरूरी है। यहां सब प्रिपरेशन अगर हो गई देन वो एस फेज में एंटर हो जाए, हाँ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो एंटर होगी, देन उसके बाद जैसे वो जी टू में चले जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जी टू में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह फॉर इंस्टेंस। क्वेश्चन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था सर, जिसमें है कि वो कह रहा था कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है द डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म इज स्टॉल्ड रुक जाए तो कौन से चेक पॉइंट को प्रीडोमिनेंटली एक्टिव हो जाना चाहिए। तो देखो अब वो कह रहा है रेप्लिकेशन का प्रोसेस रुक गया तो पीछे वाले को एक्टिव होने से तो कोई फायदा है नहीं, तो आप जो बता रहे हो सर जी टू और एम के बीच जो चेक पॉइंट है एम चेक पॉइंट, ये देखो बच्चों क्या है एग्जाम में दो बार क्वेश्चन आया सर चेक पॉइंट का कंटिन्यूसली सेल साइकिल के रेगुलेशन का, लेकिन एनसीईआरटी नहीं लिखती है, तो आपको सेल बायोलॉजी में थोड़ा सा रेफरेंस जो है वो कनेक्टिंग रेफरेंस चेक करना ही पड़ेगा। तो क्लियर कर चुके हैं सर हम, ये चेक पॉइंट हो गया एक, तो ये हो गया और एक चेक पॉइंट जो होता है बता देते हैं यहाँ पर एम फेज की अगर बात करें तो वहां पर जो प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में एक चेक पॉइंट और आता है मेटाफेज टू एनाफेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एम चेक पॉइंट भी बोल देते हैं इसको, एम चेक पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करते जैसे हमारे लेवल पे एनसीईआरटी के लेवल पे स्पेसिफाई नहीं करके, आपको ऑप्शन में भी उसमें दिख के दिया था, आपको जी वन एस लिख के देगा, जी टू एम लिख के देगा, सिर्फ एम लिख के देगा, इस तरीके के ऑप्शन आपको दे सकता है। तो वो जो सर बता रहे हैं एनाफेज और मेटाफेज, मेटाफेज और एनाफेज के बीच का, उसको एम चेक पॉइंट भी लिख के दे देता है। तो बच्चों फर्स्ट चेक पॉइंट हमारे पास हो गया किस फेज के बीच आएगा, जी वन एस के बीच, जी टू एम चेक पॉइंट आप देख रहे हैं, उसके बाद में दूसरा चेक पॉइंट आता है एस इंडिविजुअली और जी टू के बीच जो चेक पॉइंट है वो आपको डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास फर्स्ट चेक पॉइंट का आंसर हो गया जी टू जी वन एस, जी वन एस सॉरी जी वन एस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द मियोसाइट, जिसमें मियोटिक डिवीजन हो रहा है। अब देखो एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट, क्यों जरूरत पड़ेगी एपिडर्मल सेल को, ऑब्वियस है डिप्लॉइड है सोमेटिक सेल है, ये डिवीजन करेगी माइटोसिस से। फिर लिखा है मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ, डेफिनेटली माइटोटिक डिवीजन ही होंगे, एपिडर्मल सेल ऑफ द एंथर, और फिर लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो जो एंथर दे दिया ना आपको वर्ड, तो ये थोड़ा जेनेटिक रेफरेंस डाल के, सॉरी थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव रेफरेंस डाल के कंफ्यूज आपको कर सकता है एपिडर्मल, लेकिन एंथर जो है उसकी एपिडर्मल सेल जो होती है वो डेफिनेटली टू एन फॉर्म की और सोमेटिक सेल्स ही होंगी, इनमें मियोसिस नहीं होगा। स्टूडेंट्स एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, आप ये जानते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड होती है तो एक टेट्राड बनाती है, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, इससे फर्दर माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो इसमें डेफिनेटली कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया फोर्थ, जिसमें मियोसिस होता है वो मियोसाइट होगा। फॉलोइंग आर द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, कुछ इवेंट्स हमें दे रखे हैं तो इन इवेंट्स को हम सीधा डिटेक्ट कर लेते हैं, आप इनकी सीक्वेंस पे आइए। ये कह रहा है कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट, तो कॉम्पैक्शन क्रोमोसोम का स्टार्ट होगा, कंप्लीट मियोसिस के इवेंट्स दे दिए, इवेंट्स दे दिए, हां अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सारा आप एक तरीके से रिकॉल कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट। तो क्रोमोजोम वर्ड में फिर बात कर रहा हूं सर, बार बार कह रहे थे कि अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करी जाए तब तो आप शुरू से ही देखेंगे क्रोमेटिन से, लेकिन अगर आपको क्रोमोजोम लिख के दे दिया तो सर हमें बात करनी फिर प्रोफेज, और मियोसिस है तो प्रोफेज फर्स्ट हो जाएगी।
लेकिन देखो आगे देखो डीएनए रेप्लिकेशन तो ये तो उससे भी पहले की एक्टिविटी है, एस फेज में होके आता है। फिर कह रहे हैं मियोटिक स्पिंडल असेंबली, स्पिंडल असेंबली आप जानते हैं माइटोसिस और मियोसिस दोनों में जो हो रहा है, या मियोटिक लिखा है तो ऑब्वियस है मियोसिस फर्स्ट में हम जा सकते हैं। फिर लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये उससे भी पहले का फॉर्म है डिसोल्यूशन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, आप जो जानते हैं वो होगा इसमें डिप्लोटिन। फिर कह रहा है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो सेपरेशन है ये मियोसिस सेकंड को करेक्टराइज करेगा, क्योंकि अब देखो स्टूडेंट्स हमें मियोसिस का रेफरेंस लेके ही पढ़ना पड़ेगा इसको, ऑब्वियस है क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी लिखा है, तो ये सेपरेशन हो जाएगा आपके पास आपको बताया था। फिर कह रहा है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये एनाफेज फर्स्ट में ही हो रहा है, ये एनाफेज फर्स्ट में हो रहा है। फिर कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रॉन, लास्ट स्टेज है ये, लास्ट स्टेज है जब फोर डॉटर सेल्स जो है वो बन जाती है, मतलब डॉटर प्रोजेनी बन जाती है, इस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब एक बार पूरे स्टेटमेंट मेरे ख्याल से पहले रीड करने होते हैं, उसके बाद में फिर अपने हाँ, उसके बाद अरेंजमेंट भी आप जाएं। जितने स्टेटमेंट्स हमने सबका वो आपको बता दिया है कि कौन सा कब होगा, बिल्कुल क्लियर है, अपन मेंशन भी कर दें। हाँ कर देते, पहले रेप्लिकेशन होगा, सबसे पहले रेप्लिकेशन एस फेज में, फिर उसके बाद कंडेंसेशन कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए आ जाएगा। नहीं सर, डिसोल्यूशन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जो ए है कौन हो जाएगा, प्रोफेज लेप्टोटीन, लेप्टोटीन से वो शुरू हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप, ए ए को पहले हम ले लेंगे क्योंकि वो लेप्टोटीन से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जायगोटीन से रिलेटेड कुछ है तो देखो, नहीं जायगोटीन नहीं दे रखा, कोई नहीं दे रखा, तो फिर पैकाइटिन पे आ जाते हैं अपन पहले, तो ये ई हो जाएगा, हाँ पैकाइटिन, उसके बाद डिप्लोटीन का देखो करेक्टर दिया, उसके बाद डिप्लोटीन पे आप जा सकते हैं, डिप्लोटीन का करेक्टर दिया इन्होंने, लेप्टोटीन से लेकर हम चेक कर ले लास्ट तक, तो आपको बिल्कुल सही सीक्वेंस मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बी ए डी ए डी, लेकिन आगे देखने पड़ेंगे उसके बाद में बी ए डी उसी में सर आपके पास, ये दोनों ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में बी ए डी आ गया, उसके बाद में सी है, सी दे रखा है, स्पिंडल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल डाइगेनेसिस में, तो ये आ जाएगा आपका ई आ जाएगा, हाँ सॉरी क्या है, सी दे रखा है ना, हाँ सी दे रखा, सी आएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही स्पिंडल में सी दे रखा, आपको आगे भी चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में देखना है अपन जाएंगे सीधा एनाफेज पे पहुंच गए, हाँ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जी ई हो जाएगा, जी तो यहां मिल गया हमें बच्चों। उसके बाद में चेक कर लो एफ, एफ जो है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो ये मियोसिस सेकंड में चला गया, और उसके बाद आपको फाइनल स्टेज है एच फॉर्मेशन, तो आपका आंसर हो गया सेकंड, करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट 167, ए टेट्राहेड कंसिस्ट ऑफ, एक टेट्राहेड बना होता है फोर नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स, देखिए हर एक क्रोमोसोम में टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, और इस पेयर में जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं आप ये कहेंगे ये इन दोनों के क्रोमेटिड्स आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो यहां हमें दे रखा है सर फॉर नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स नहीं, फॉर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होगा, दो ही क्रोमोसोम है और वो भी होमोलोगस, टू सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल विद टू ईच विद टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये परफेक्ट लिखा है, आगे और पढ़ लेते हैं, टू सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विद नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स वो ठीक हो गया, हर एक क्रोमोसोम में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है और दो होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल, और अपनी स्टेटमेंट देते हैं ना क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, हाँ तो वहां पर भी ये स्टेटमेंट अकर्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्रॉसिंग ओवर और द जीन एक्सचेंज, द एक्सचेंज विल अकर इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है आगे चलें, तो ये हो गया है 168, select the correct statement in following, outer nuclear membrane usually remain continuous with ER and also bear ribosome, काफी बार बात हो चुकी है इसकी, RER की बात कर रहा है definitely, फिर कह रहा है through nuclear power movement of DNA, RNA and protein takes place, ये भी देखो बहुत बार बताया जा चुका है, DNA का movement नहीं होगा सर, ये incorrect हो गया, incorrect reference हो गया, हमने discuss किया था bidirectional movement और unidirectional movement, तो आपने कहा था cytoplasm से nucleoplasm, nucleoplasm से cytoplasm, जो nuclear pore complex है वो bidirectional movement को lead करता है, फिर कह रहा है nuclear pore are formed by the fusion of two membranes of nucleus, perfect है, perfect लिखा है सर ये, बिल्कुल स्टेटमेंट, लेकिन फ्यूजन लिखा है ये, फ्यूजन कर दिया, फ्यूजन फ्यूजन यहीं से लिए स्टार्ट हो जाता है, हाँ यहीं से लिए मैं भी कर जाता अभी, फ्यूजन ये ध्यान रखें आप, फिर लिखा है
न्यूक्लियर पोर्स आर पासेज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, डेफिनेटली करेक्ट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो फोर स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं उनमें से टू इनकरेक्ट हमारे पास हो गए, टू करेक्ट रेफरेंसेज हैं, ए एंड डी करेक्ट हैं और बी एंड सी इनकरेक्ट है। हाँ तो करेक्ट ए और डी हमारे पास सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 169, in relation to the given diagram of the cell division, the mitosis, for mitosis, which of the following statement is incorrect? Statement incorrect कौन सा है? देखो सर कौन सा दे रखा है हमें? ये जो है वो transition to metaphase से क्या? बिल्कुल। Exactly metaphase की तरफ जा रही है cell। इसको transition to metaphase बोलते हैं, beginning of metaphase, early metaphase बोल सकते हैं। तो पहले diagram को ही recognize करना। ये हमने पहले ही बात की थी कि कोई भी cell division का जो process है, phase है, वो switch off और switch on नहीं होते। बिल्कुल। वो connected है, interconnected है, तो वो transitional phase उनमें सब में मिलेंगे। इसीलिए देखो early phase और late phase लिखा जाता है। Statement पढ़ू सर मैं? ये कह रहा this representing the transition of the prophase to metaphase, definitely prophase to metaphase। फिर कह रहा है क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट, डेफिनेटली क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पर असेंबली बनाने वाले हैं ये। फिर कहा है सर स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्मड एंड सेंट्रियोल्स आर रीज्ड एट द पोल्स, स्पिंडल फाइबर फॉर्मड एंड सेंट्रियोल्स, ये देखो दिखाए हैं स्पिंडल फाइबर्स जो है उनका फॉर्मेशन हो गया है एंड सेंट्रियोल्स आर रीज्ड, दीज आर द सेंट्रियोल्स जो पहुंच चुके हैं पोल्स पर। बिल्कुल, क्योंकि मेटाफेज में तो परफेक्ट असेंबली बनानी है इसको। फिर कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट व्हाइल न्यूक्लियोलस ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस आर डिसअपीयर्ड, देखो डिसअपीयरेंस जो है वो हां बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इससे पहले प्रोफेज में हो गई, लेट प्रोफेज में जाके, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सर यहां मेंशन कर दिया और डिसअपीयर हो जाती है, दिख रहा है बिल्कुल डायग्राम में आपको। इवन हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस है साइमल्टेनियसली डिसअपीयरेंस इनका भी हो जाता है। बिल्कुल हाँ, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट हमारे पास, उन्होंने पूछा है स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जो सेलेक्ट करना है वो इनकरेक्ट फोर्थ ही हो गया और वो सिर्फ इसके भी हाफ पे, आप कह रहे हैं ये कह रहा है प्रेजेंट लिख दिया इसलिए इसके भी हाफ पे इनकरेक्ट, बाकी ऊपर वाले तीनों करेक्ट। नेक्स्ट 170, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया सर, एक दिया हमने न्यूक्लियोसोम, अभी न्यूक्लियोसोम की हम बात कर रहे थे और आपने कहा था कि स्टोन ऑक्टामर है दैट इज एसोसिएटेड विद द डीएनए, ये कह सकता हूं मैं दिस वन? बिल्कुल, स्टोन ऑक्टामर एसोसिएटेड विद डीएनए। सर सर लिखा है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ये देखिए सर हमें ये मिल गया है डिस्क शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमर, अपन डिस्कस कर चुके हैं द काइनेटोकोर, हां एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। फिर लिखा है सर क्रोमोमियर, तो क्रोमोमियर आप कहेंगे बीड, बीड लाइक एक्युमुलेशन ऑफ द क्रोमेटिन समटाइम विजिबल अलोंग क्रोमोनिमा। बिल्कुल। फिर लिखा है सर हेटरोक्रोमेटिन, डेंस पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल व्हिच इज डायरेक्टली डार्क स्टेन, हेटरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन होता है, यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन होता है। सिंपल मैचिंग कर ले। तो ये ए बी सी और डी सबका आपको बता दिया गया है रेफरेंस, आप मैच कर ले। क्लियर। नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सब स्टेजेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। बिल्कुल, अभी जस्ट आपने सीक्वेंस बताया, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर आपको है, इस पर कोई ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट 172, बायवेलेंट इन मियोसिस आर, बायवेलेंट क्या है? बिल्कुल, अभी ये सेम क्वेश्चन आया, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये बायवेलेंट है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये फोर्थ वन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन डिप्लोइड जायगोट क्रोमोसोम्स नंबर इज 80। क्लियर, एक जायगोट कह रहा है 2n सेल है, ऑब्वियस है, और वो कह रहा है नंबर जो है वो क्या है 80। क्रोमोसोम नंबर इन ए गैमेटिक सेल विल बी, देखो जायगोट लिख के दे दिया तो फिर 2n करने में दिक्कत नहीं हुई कोई, आप कहेंगे इनवेरिएबली डिप्लोइड ही होगा और गैमेट इनवेरिएबली हैप्लोइड ही होगा ऑलवेज। सर कई बार होता है स्पोर्स और गैमेट साथ लिख के दे देते हैं, एक स्टेटमेंट में आपको लिख के दे देते हैं जैसे स्पोर्स एंड गैमेट साथ इनवेरिएबली हैप्लोइड, इनकरेक्ट हो जाएगा। स्पोर की डिप्लोइड एग्जिस्टेंस है और पॉसिबल है, लेकिन गैमेट्स की डिप्लोइड एग्जिस्टेंस कभी भी नहीं होगी। तो ये कह रहा है यदि एक द्विगुणित युग्मनज में 80 गुणसूत्र हैं तो युग्मक में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाएगी, होगी। आपको पता है गैमेट की बात कर रहा है तो यहां आपके पास ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 174, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, M phase represents the phase when actual cell division occur and division phase represents the phase between two successive M phase. Definitely actual cell division उसी में होता है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट में ये अपन यही मेंशन कर दें कि करेक्ट कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन से हैं, बच्चे इनकरेक्ट कौन से हैं, सेलेक्ट द करेक्ट कौन से हैं। तो यहाँ देखो M phase represents the phase when actual कोशिका में सामान्य डीएनए से दुगने मिलकर होते हैं, डेफिनेटली अगर 2C है तो 4C हो गया।
ये 2C4C का रेफरेंस एनसीईआरटी ने दिया और सर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया 2014 में क्वेश्चन पूछा गया ये एग्जैक्ट। फिर कह रहा है एनाफेज के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर विखंडित हो जाता है तथा क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं। एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग यही काम है, एनाफेज को करेक्टराइज आप इसी से करेंगे और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, तो ये सही हो गया। फिर कह रहा है मेटाफेज सेकंड बिगिंस विद द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। मेटाफेज सेकंड देखिए अल्टीमेटली मेटाफेज सेकंड जो है वो एक तरीके से क्रोमोजोमल असेंबली जो है उसी को रिप्रेजेंट करेगी, बिल्कुल जैसा आप मेटाफेज में पढ़ के हैं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ मेटाफेज में। तो ऑब्वियस है यहां स्प्लिटिंग को लिखते ही आप इसको क्या कह देंगे, इनडायरेक्ट रेफरेंस। माइटोसिस हेल्प्स द सेल टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक, बात कर चुके हैं सर, हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे कि सेल डिवीजन में जाती ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ रही है डिवाइड होने की, तो ऑब्वियस है ये आपके पास सही ऑप्शन है। इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो करेक्ट ए करेक्ट है, बी सॉरी ए इनकरेक्ट है आपके पास, बी जो है वो करेक्ट है, सी आपके पास करेक्ट है, डी आपके पास इनकरेक्ट है और ई आपके पास करेक्ट है। क्लियर 175 अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। ये कह रहा है क्रॉसिंग और सिनेप्सिस टर्मिनलाइजेशन डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। तो देखो डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोफेज में हो रहा है, लेकिन इससे पहले प्रोफेज के कुछ इवेंट्स हैं आपको वो देखने हैं, तो यहां से अपन बात कर चुके हैं पहले, बता चुके हैं सिनेप्सिस की बात कर रहा है पहले, ये आपका जायगोटिन हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्रॉसिंग और करवा दो पैकाइटिन में, ये हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन करवा दो डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन और ये डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये भी डाइकाइनेसिस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और इसके अलावा आप कह सकते हैं जो सेल ऑर्गन्स डिसअपीयरेंस हो जाएंगे। क्लियर नेक्स्ट 176 क्रॉसिंग ऑफ अकर्स, सिंपल है देख चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आते तो आप तुरंत हिट करते हैं और ये ऐसे नीट में ऐसे आते हैं आजकल, मतलब ये दुर्भाग्य कहूंगा मैं कि आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर लिखा है 178 ये थोड़ा अच्छा लग रहा है डायग्राम से भी अच्छा लग रहा है, हो सकता है अच्छी बात कर पाए इसमें। गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्टेन इवेंट एट ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हिच इज दिस स्टेज। देखो ये तो ये देखो ये पास पास लाया है और नोड्यूल बनाया है इसे और नोड्यूल के बाद में वो रोसेंगे सेपरेट दिखा रखे, तो हम क्या कह सकते हैं सर प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस, पक्का प्रोफेज फर्स्ट है ये तो क्लियर हो गया। ये आपके पास पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, बाइवेलेंट दिखाई दे रहा है और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ऑब्वियस है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस। इसके अलावा कोई ऑप्शन देख लेते हैं इससे भी ज्यादा बड़ा अगर है हमारे पास या और डेप्थ का है तो प्रोफेज सेकंड कोई मतलब नहीं है, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस ये तो दोनों एक ही बात है। फिर कह रहा है बोथ प्रोफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस, माइटोसिस हम नहीं कह सकते, तो आंसर आपके पास हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 178 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर द टाइप ऑफ द स्पिंडल फाइबर इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस। वो कह रहा है कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू है स्पिंडल फाइबर इन एनाफेज, बिल्कुल सर अपन ने ये डायग्राम भी बनाया था बनाया से पहले, क्वेश्चन भी अच्छा है रिपीट भी हो रहा है, तो अपन बात करेंगे एनाफेज की, ऑब्वियसली जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पर ये इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर है और ये जो कंटीन्यूअस सपोर्टिंग फाइबर है, तीनों टाइप के इसका मतलब प्रेजेंट है। तो समसूत्री विभाजन की एनाफेज आपको कह रहा है बच्चों, ऑब्वियस है एबीसी। अगर इससे पहले का पूछता मेटाफेज तक तो फिर आपके पास दो ही होते, ऐसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरजोनल वहां नहीं होता। नेक्स्ट ए पिक्चर ऑफ द डिवाइडिंग गन सेल टेकन थ्रू ए माइक्रोस्कोप शो दैट द सेल कंटेन 80 क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ टू क्रोमेटिड्स द पिक्चर मस्ट हैव टेकन ड्यूरिंग, बिल्कुल ये बात कर रहा है डायड क्रोमोसोम, वो कह रहा है कि जो क्रोमोसोम है ना उसमें दो क्रोमेटिड है उसमें, तो ऑब्वियस है डायड कंडीशन कहां हो जाएगी मेटाफेज में, डायड मेटाफेज में डायड कंडीशन हो जाएगी, तो आंसर सर मैं क्या टिक कर दूं थर्ड मेटाफेज, मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस। नेक्स्ट 180 द स्टेज ऑफ द माइटोसिस इज शोन इन द डायग्राम व्हिच स्टेज इज इट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो सर इक्वेटोरियल प्लेट पर जमा रखे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्लियर है मेटाफेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं मेटाफेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटिक और सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये इनकरेक्ट है कोई मतलब नहीं इसका। फिर कह रहा है मेटाफेज क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कह रहा है एनाफेज है ही नहीं, हाँ और लास्ट कह रहा है लेट प्रोफेज वो भी नहीं है, तो आपका आंसर वो हो जाएगा। पीछे वापस आऊं जी नेक्स्ट ये लिए, तो ये मेटाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर अटैच, तो सेकंड आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट सर पिक अप आउट द करेक्ट स्टेटमेंट माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमेटिक सेल्स एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स, जनरल रेफरेंस है होता है ऐसा ही होता है।
फिर उसके बाद आप कहेंगे ड्यूरिंग माइटोसिस द डीएनए रेप्लिकेट्स वंस फॉर वन सेल डिवीजन एंड इन मियोसिस द डीएनए रेप्लिकेट्स ट्वाइस फॉर टू सेल डिवीजन। ट्वाइस नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, एक ही सेल साइकिल होगा, चाहे कोई सा भी सेल डिवीजन आपको दिया गया हो, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है माइटोसिस एंड मियोसिस अकर्स इन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल लाइफ साइकिल। डेफिनेटली माइटोसिस और मियोसिस जो है सेक्सुअल और असेक्सुअल लाइफ साइकिल में, बिल्कुल सेक्सुअल में माइटोसिस नहीं होगा। सेक्सुअल में माइटोसिस, सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो दे रखा है ना सर, वहां पॉसिबिलिटी आपके पास है। जैसे असेक्सुअल लाइफ साइकिल आपको दे दिया तो उसमें तो एग्जैक्टली जो एग्जिस्ट कर रहा है वैसा ही बनेगा ना अल्टीमेटली, तो इक्वेशनल डिवीजन की रिक्वायरमेंट वहां है। सही, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं वहां क्या हो जाना चाहिए, माइटोसिस। माइटोसिस इनकरेक्ट हो जाएगा सर। क्लियर। नेक्स्ट 182 इन मियोसिस फर्स्ट बायवेलेंट एसोसिएशन ऑफ, बार बार हम बात कर रहे हैं, कर चुके हैं, देयर विल बी द एसोसिएशन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स या पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वहां दिखेगा। तो वो कह रहा है फोर क्रोमेटिड्स एंड फोर सेंट्रोमियर, नहीं टू क्रोमेटिड्स एंड वन, टू क्रोमेटिड्स एंड फोर सेंट्रोमियर, फोर क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमियर। टू सेंट्रोमियर हमने क्वेश्चन करवा दिया था पहले ही, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 183 एंड एक्सेल एंड 10 पिकोग्राम डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी दिस एनिमल एट द एंड ऑफ जी2 फेज। तो देखो G2 में क्या होगा, वो कह रहा है डीएनए जो है वो 10 पिकोग्राम है न्यूक्लियस में, एक सेल है तो हैप्लोइड सेल में 10 पिकोग्राम। अगर अपन बात करें उसका डिप्लोइड कंडीशन बात करें तो 20 पिकोग्राम हो जाएगा। ऑब्वियस सेल अगर G1 से फिर S और G2 में जाएगी तो यहां 20-40 G2 में हो जाएगा 40 पिकोग्राम, ठीक है। वो आंसर 40 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट द मेजर इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल ऑफ माइटोसिस व्हिच इज एसेंशियल फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। देखिए क्रोमोसोमल डीएनए के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। हमने बहुत क्लियर आपसे दो स्टेटमेंट डिस्कस किए थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल, दोनों डिवीजन करते हैं और उस टाइम हम सिर्फ बात कर रहे हैं डॉटर प्रोजेनी की। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तब हम मदर सेल और डॉटर प्रोजेनी को कंपेयर कर रहे हैं और ये बात करते हैं हम सिर्फ माइटोसिस की, तब रेप्लिकेशन होगा तो उसके बाद बिल्कुल डिवाइड हो। तो ये कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए कह रहा है कि मेजर इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल ऑफ माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, वो तभी हो सकता है जब क्या होगा, एप्लीकेशन परफॉर्म हो, रेप्लिकेशन परफॉर्म हो। उसके बाद आप आगे की बातें जो है वो देख रहे हैं, वो आगे के इवेंट्स जो है वो लिख के दिए हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का एपिसोड था सेल बायोलॉजी का। हमने काफी कोशिश की है इसको अच्छे से कनेक्ट करके आप तक पहुंचाने की और आप तक पहुंचने की, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जैसा आपका आ रहा है, हम भी इसमें और ज़्यादा एनर्जी पुट करने का लगातार एफर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, नाउ वी आर ऑन द टूर ऑफ द सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो पूरी तरीके से यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप उतर चुके हैं, सेल डिवीजन में आप चल रहे हैं, और इसके ठीक बाद अब एक और फेज हम करेंगे सेल बायोलॉजी का, कॉमन क्वेश्चंस लेंगे, कॉमन लेंगे थ्रू आउट सेल बायोलॉजी, एक तरफ एक तरीके से फर्स्ट टू लास्ट सब कुछ एक साथ हम लेंगे, जिससे आपकी रीजनिंग पावर भी बढ़े और आप बहुत अच्छे से उसको जो है वो सॉल्व भी कर पाए, ठीक है। तो सर्वे सर का मैसेज आपके लिए, बिल्कुल, और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बिल्कुल उनको सीक्वेंस से देखें, अगर आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो। और हमारा मानना है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि अपन ने थ्रू आउट एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लिए, सारे डिस्कस कर लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आपने एनसीईआरटी एक बार रीड की और ये वीडियो आपने अगर देख लिया तो काफी है, मोर देन सफिशियंट, एग्जाम इससे बाहर नहीं होगा। सो आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे MM बल्डोदिया और सर्विस यादव सर को, वी आर फ्रॉम CLC सीकर टीम बॉटनी, नमस्कार, थैंक यू।